जी मेरे पार्टी के शीर्ष नेता, केंद्रीय कमेटी के सदस्य, पूर्व सांसद कॉमरेड महेश्वर पाठक लगा आज जनता भेंटघाट बिगड़ावासी से भेंटघाट कर ताही यहाँ आए मेरे पार्टी के तरफ से प्रदेश एक के उम्मीदवार लगाए सब पार्टी के नेता कार्यकर्ता और हमारे जो सभा में उपस्थित जयगांव के सब दादा भैया दीदी बहनिया सबके पार्टी के तरफ से संयुक्त बांध गठबंधन के तरफ से पुनः राम राम। आज मैं तुम्हारे बीच में दी पार्टी को साझा उम्मीदवार बांध गठबंधन कहा था बहुत उम्मीदवार बन के आज मैं यहाँ तुम्हारे बीच में आओ हूँ और बहुत बड़ो विश्वास आसरा लगे तुम्हारे बीच में यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। निश्चित रूप में तुम्हें लागत हुई है कि चुनाव आता है तो पुटपुरा है सब नेता कुल बुलाए पड़ा था आसार कैसे घूमरा गिरता तो सब मचरे हैं वो मुदी नदिया तुम रख। निश्चित रूप में नेपाल को संविधान बोल के अपने देश में पहली बार नया संविधान अंतर्गत प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा दुई सरकार बनने वालों चुनाव हो जा रहे हैं और वो चुनाव में आप उनके भाग ले रहे हैं सहभागी होना है तो चुनाव में आप उनके अच्छो नेता अच्छो पार्टी के छानन के वो आप उनको दिन आएगा। मेरा अनुरोध है यहाँ के सब दादा भैया दीदी बहन के अब जनता सबसे बड़ी अदालत है जनता के फैसला करण है हमरो पार्टी हमरो नेता हमारी बात हमरो समस्या कौन सुनता है कौन सी पार्टी के अगर हम अपना विश्वास दे मांगे अपने जिता मांगे तो पार्टी हमरो काम करेगी वो दिन छानन को दिन वो धीरे आ रहे हैं बात से कहते हैं आप पहाड़ दिन छम रहा है उधर वोट डाल रहे हैं और मन सी रखते करते ठीक आज के दस दिन बाद ग्यारह दिन में अपन जय जिला में जय निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालेंगे तो वोट डाल तो जाएंगे अपन तुम कहती हो हम तो हमेशा वोट डाल पाए उचित हुई है क्या तुम जाए बड़ी ठप्पा मारी है ठप्पा मार बार चुनाव का नहीं है चुनाव का आपने पूछना है क्या चुनाव ईसो है चुनाव से जीत के दाम बारे आप क्या करेंगे बड़े बड़े नेता आते हैं बड़े बड़े उम्मीदवार आते सब बैठी है लंबी चौड़ी मात हुई है कहाँ तुम स्कूल बना देंगे पीठ बना दे मंगे तुम लोग यहाँ पर मंदिर बना दे हैं फिर कह रहा है तुम्हारा लौड़ा लौड़ी अगर नौकरी लगा दे कहा होंगे सब झूठ बात कहे कि आज तक जय निर्वाचन क्षेत्र से जय गांव में चुनाव लड़के जीत के जान वाले आदमी आज हमारे दादा भैया तो पैदूर तक ना पाए तक परछाई तक देख ना पाएंगे जय हिसाब से मेरा अनुरोध है आप निश्चित रूप से जब विचार करें मेरा सबसे अनुरोध है मैं तुम बैठे ना बड़े बड़े आश्वासन को खोकर मैं जा बना दिया वो बना दिया ऐसा करते हो ऐसा करते हो करके बनाऊ तुम्हारे बीच में मैं एक मुद्दा जो वर्षों से हमारे मुद्दा दबो पड़ो है वो मुद्दा के निकाल के वो मुद्दा के मैं अपनी बढ़ा देता हूँ मेरी उम्मीदवारी को आज की पार्टी हेमाले माओवादी केंद्र उम्मीदवार बनाई है कि वर्षों से थरूर को दबो मुद्दा नेपाली नगरता है कौन है हम तो नेपाली बने बैठे लेकिन देश में पहचान नहीं है राज्य में पहचान नहीं है सब जाति को वहां पर सूचीकृत है लिखो पड़ो है आप थरूर को पहचान नहीं है तुम्हारे बीच में आज मैं गर्व के साथ कहा था हिम्मत के साथ कहा था कि आप उनको वोट यहाँ से राणा को सूचीकृत करवा दे हूँ राणा को दराजी में पहचान करवा दे हूँ राणा को यहाँ पर तुम्हें हक अधिकार दिवे हूँ करके जय क्षेत्र से जीत के जान वाले आदमी आज देश को प्रधानमंत्री बनो है शेर बहादुर देवपाक जय शेर बहादुर देवपाक 2070 साल में चुनाव लड़ते थी जय गाँव में आगे कहीं रहे कि राणा को समस्या है कहाँ है बताओ हम कहे हमारा मुद्दा सूचीकृत को है तुम्हें सूचीकृत करवाओ वह शेर बहादुर मौके वोट देव तुम्हें सूचीकृत करवा कही रहे आज शेर बहादुर सूचीकृत कहे ना करी कहे कि आप थरूर के अधिकार देना चाहते आप यहाँ के रावण के अधिकार देना चाहते तो मेरो तुमसे वादा है वो अधिकार दूसरे से मांग के मिलने वाली नहीं है तुम्हारा अधिकार सिंह दरबार से तुम्हारे बीच में लान के ताही आज कम्युनिस्ट पार्टी हुई
माओवादी और एमाले मोके उम्मेदवार बनाई है तू मोके विश्वास करो यहाँ से मोके जिताबो सूचीकृत नारद करवा भाई मैं करवा बोलो सूचीकृत अगर मैं ना करवा पा कल फिर तुम्हारे जीतने आमंग शेर बहादुर देवबहानी लुक के बहादुर मारो में नहीं जा हिसाब से मेरा एक ही वादा है एक ही मेरा प्रतिबद्धता है अपने समाज पे अपने बड़ा भैया से तुम के धोखा बना दे मुझे कहे कि तुम लोग वोट लेके यहाँ से जीत के जान वालों शेर बहादुर कहीं रहे विकास को खोला पकाई दीजिए ऐसा विकास करूंगो कि जुगेड़ा बार तुम सुधर के खिला पे हो ऐसा विकास करूंगो जुगेड़ा गाँव को काया अपलट करते हो तो कहाँ को काया अपलट कहाँ विकास करी शेर बहादुर कहीं सूचीकृत करवाए दे कहीं सूचीकृत हम लोग ना करवाई तो चाहे साहब तो आपके चीनन है जानन है हमके कौन नेता धोखा दे रहे हो कौन हमके ठग रहा है और भूषण है जब तक हमरो गांव को हमरो घर को हमरो नेता हमरी बात उठाने वाली पार्टी सरकार बिना पकेगी तब तक हमारो कोई बात सुनवाई होट बारो नहीं जो साबित हुई गो चाहे साहब से मेरे तुमसे सबसे अनुरोध है कि जब मौका आई गो है चाहे सो मौका सुनो लो अवसर आप उनके कुमार के नहीं जाए साहब से मेरे समय यहाँ के गदा भैया से मेरा अनुरोध है कि एक राणा उठो है तुम लोग घर को आदमी तुम लोग आंगन को आदमी तुम लोग लौड़ा तुम लोग भैया तुम लोग भतीजो तुम लोग नतिया कुछ भी कह लियो लेकिन आज उम्मीदवार भैया हो बाकी तुम जीते हो कि ना जीते हो और एक बार राणा कहा मैं बहुत बड़े लोग आदमी की भैया हूँ बहुत बड़े आदमी की भैया हूँ मौके मियाँ से जिताबो कहा था मैं तुमसे पूछन चाहा था तुम्हें सीताराम सर कही थी तुम राणा प्यारो है कि राणा प्यारो राणा प्यारो कि राणा प्यारो तुमको छाना है आज अगर तुम राणा के जिताबेगे नारद के जिताबेगे यहाँ से वाम गठबंधन के जिताबेगे सजीलो से तुम भैया कह सकत हो ददा कह सकत हो लौड़ा कह सकत हो कोई काम पड़ी हो धनगड़ी घर है मेरे सजीलो तरीका से लेंगे पैदल ऑटो रिक्शा साइकिल मोटरसाइकिल में सजीला जाके भेट सकत हो अगर तुम राणा के जिताबे तो जितान पेती तो शायद लोग देखे होंगे एक आदमी प्रचार में मुंह उसके बाद ही बोले तुम सुधरू ना पाए बस परछाई ना पावेंगे बस तुम मस्की ना पावेंगे बस तुम भेटा ना कर पावेंगे भेटा की बात छोड़ दो बगे तुम दूर से देख ना पावेंगे इतनो सजीलो घर को आदमी मेरा भैया मेरा दादा मेरा लौड़ा उठो है कोशिश करके तुम्हें तो गर्व करना चाहिए एक कोई भैया हमरो एक कोई लौड़ा हमरो एक कोई हमरो समाज को एक आदमी कोई उठो है तो वो नहीं हम उठे तुम्हारे मन में तुम तो वैसे गदगद हुए थे कि आज हमारे आंगन को घर को आदमी कोई उम्मीदवार है तुमसे कहना ना पड़तो भेंट करना पड़तो ऐसे बुलाने ना पड़तो तुम तो वैसी कहते कि नारद व्यंजन यद हम सिंगो फिरुआ समाज उम्मीदवार है करके तुम्हें लागत रहे काहे कि नारद निराना संसद बनता ही चुनाव ना उठो मंत्री बनता ही संसद ना उठो है और कोई के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता ही मैं चुनाव में खड़ो नहीं है मेरा एक ही मकसद है एक ही उद्देश्य है वो है राणा को पहचान बना लो राणा को सूचीकृत करा लो राणा के अधिकार दिला लो और वो अधिकार तुम ले चाह तो बिना चाह तो अधिकार ले चाह तो नारद के भोर दो ना हम ऐसी समाज ऐसी बोलन चाहत है तो राणा के भोर दो नारद से तुम गरियाई ले डगर के घर भेटा हो गए हैं कभी मई तक नातेदार आई गए हैं राणा से तुम मस्ती करना राणा से मस्कर का ही पता है तुम्हें राणा से भेंट करने का कितना तुम्हें सापर बेलन पर भी पता है हमसे सरासर भेंट है बाकी भेंट करने का सात गेट पार करना पड़ेगा गेट की बात छोड़ दो वो तो नेपाली में मस्कर पार है वो तो कार्ड में नेपाली ना जानता हूँ नेपाली लिखनों खोज जानता हूँ नेपाली मस्करों खोज जानता हूँ मैं तो एक दफे विश्वास में लगो कि वास्तव में प्रधानमंत्री भैया नेपाली खोज मस्कर पार है ना मस्कर पार तो कहीं लिखन पार हो अच्छे से तो क्या लिख पाते पता है हाथ में अंग्रेजी जानते हैं मैं तो अचंभ लगो मेरे को तो ठगत हुई है करके पश्चिम के विश्वास हुई हो जब रोल पार में भैया के सांप काट दें भैया के सांप काटी भैया मर गई आज जो देवा संसद में बोली है ऐसी माइक लेके तो सांप हत्यारा है कार्रवाई करो तो जेल हाल पर नेपाल में संसार भर सांप के जेलदार पर कानून ना बने अब कौन तो सांप काटे सीना पर हो पर फिर सांप के पकड़ के लान पड़ो फिर वो अदालत में बयान लेन पड़ो तो के जेलदार पड़ो तो ऐसे ऐसे तो मैं कोई वास्तव में
आरजी देवपाल सुकमाऊ नेपाली नाम जान्छ कि कहाँ करके वो प्रमाणित भी अब इतना न तुम बस भेटन के ताही कि अंग्रेजी जानन पड़ो और किस कि तुमके बगे नेपाली से बोलते अब तुम कितो हमारी दीदी बहनी अनिया से आदमी दोबारा से भेट करने ताही नेपाली जा बोले बता रहा कितो आदमी अंग्रेजी जानता अब तुम अंग्रेजी ना जाने तो फुर्जा भाषा ना जाने अब तुम्हारा काम कहाँ से हो भी इतना ही सोचना है कि हमें सदी लो सदी हमके सदी का तरीका से हमारी बात कौन सुन रहे हैं हमारी समस्या कौन सुन रहे हैं हम कौन पार्टी कौन नेता हम लोग दुख सुख के साथ चले गो क्या हिसाब साथ में चीरन के छान की करूंगी और मेरा विश्वास है तुम अब फिर सही फैसला करेंगे और ऐसे ही धनगढ़ी बाजार के विद्वान लोग पढ़े लिखे कर्मचारी लोग बुद्धिजीवी लोग सब कह नहीं कि हम तो आदमी के वोट ना थी कहा कि तब छूट गए करोड़ों को घर लेता कि ना कि जमीन खरीदता कि ना कि ये स्थानीय बासिंदा है तो जाकर है कि ये जनता जो है ये भेड़ी बकरियां हैं ये सहिता है ये लाटा करना है इनके तुम्हें खगन का ये घर भाड़ में लेकर दिखाई दे कि अब मैं घर खरीद ला हूँ मैं ये को बासिंदा हूँ मुझे बोल दिया बड़ा गजब का नाटक करते इसके बाद तुम्हें बताए दू मैं चौधरी गाँव जाके ऐसी गली जा मुझे घर की और चौधरी को क्या कहते हैं बुनिया लहंगा लगाए थे सब फोन खींचा कई मतलब थारू है हमें तुम्हारी गांव में कहा पुकार सुन लो वो अपनी पट्टी पकाएगी कई की मत राणा रहो डोपस बिहार के राणा भी हो गए कई मत प्रभाव रहो कि बिहार बस तो